इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान क्वेश्चन राइटर ग्रेट पंजाब सलामत ज़िया खोखर ने कौम परस्त मसीहियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि मिशनरी अमलाक फरोश लानतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं और उन्हें करार बाकी सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। मिशनरी जमीनों पर अदारे कायम करके मसीहियों का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है, लेकिन नाम नहाद मजहबी पासवान इन अमलाक पर विराजमान है जो इन अमलाक को मुसलमानों के हाथों फरोख्त करके अपनी तिजोरियां भर रही हैं और बैरून ममालिक जायदादें बना रही हैं। इस काले धंधे में चर्च ऑफ पाकिस्तान के सियालकोट डायसिस, कराची डायसिस, लाहौर डायसिस और प्रेस्बिटेरियन मसीही इदारों पर विराजमान लानती नाम नहाद बिशप मुलवस हैं। हालांकि कम्यूनल कवानीन और आइनो कानून पाकिस्तान में वाजिया तौर पर दर्ज है कि मजहबी अमलाक को किसी सूरत फरोख्त नहीं किया जा सकता है, तहम इन अमलाक को कलीसियाई मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लिहाजा हालात के मुताबिक जरूरी है कि इन अमलाक पर विराजमान इन लानतियों का मुहासबा किया जाए।